हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल लव गोल्ड में। दोस्तों, मैं आज आप लोग के लिए मेहंदी लाई हूँ जिसमें आपको कुपी का मतलब कोन का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना है। बस आपको क्या करना है, आपको इसके लिए चाहिए एक टेप चाहिए, और एक आप या तो कोई भी मेहंदी बना सकते हैं घोल के, या तो फिर आप कुपी का ही मेहंदी जो है उसको आप काट के और उसको निकाल लीजिए। उसमें थोड़ा सा पानी डाल के उसको थोड़ा सा पतला कर लीजिए और उसे पूरा मिला दीजिए। और उसके बाद हमें क्या करना है, टेप हमें इस तरह से अपने हाथों पे लगाना है। आप देख सकते हैं मैंने किस तरह से लगाया है। और उसके बाद जो मेहंदी है उसको चम्मच की सहायता से हमें धीरे धीरे उस पर लेप करना है। हमें इसमें कुप्पी का बिल्कुल भी प्रयोग नहीं करना है। और फ्रेंड्स, इसके लिए हमें चाहिए एक चम्मच काटा वाला, और उससे हमें बस इस तरह से आपको डिज़ाइन बना देना है। आप चम्मच काटा वाला भी ले सकते हैं, सिंपल वाला भी ले सकते हैं। आप कोई भी ऐसी चीज़ ले सकते हैं जिसमें थोड़ा नुकीला हो, जिससे आपको दर्द ना हो, बस उससे वहाँ की मेहंदी हट जाए। तो फ्रेंड्स, इसी तरह देखिए मैंने काटे वाले चम्मच से उपयोग करके आपको दिखा दिया। अब मेरे पास एक प्लास्टिक का चम्मच है, उसका मैं पीछे से डिज़ाइन बनाऊंगी। तो इसी तरह हम आगे डिज़ाइन की ओर चलते हैं। तो फ्रेंड्स, आगे भी हमें क्या करना है, लेप लगा लेना है। और उसके बाद देखिए मेरे पास प्लास्टिक का चम्मच है, उसी से उसके पीछे से मैं पत्ते का डिज़ाइन बना रही हूँ। तो इसी तरह से हमें डिज़ाइन बनाते चलना है। इससे क्या है कि जो लोग डिज़ाइन नहीं बना पाते वो लोग भी इसे बहुत आसानी से बना सकते हैं। आजकल इस टाइप का यूट्यूब पे बहुत लोग डिज़ाइन बना रहे हैं, तो मैं भी सोची कि थोड़ा एक वीडियो मैं भी बना लेती हूँ। आप चाहे तो आप माचिस की तीली से भी बना सकते हैं उसका पीछे से। देखिए, आपको मेहंदी ज़्यादा पतली नहीं रखनी है। मेरी थोड़ी मेहंदी थोड़ा ज़्यादा पतली हो गई, इसलिए ज़्यादा ही डिज़ाइन बनाने में मुझे थोड़ी दिक्कत हो रही है इस माचिस के तिल्ली से। पर फ्रेंड्स, आप जब भी बनाएं तो कांटे वाले चम्मच से बना सकते हैं। वैसे कोई भी चीज़ से भी आप बना सकते हैं जो थोड़ा नुकीला हो, बस आपको स्किन पे कुछ ना हो सके, बस यही ध्यान रखिएगा। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हम पूरे हाथों पे इस तरह से डिज़ाइन बना लेंगे। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, मेरा वीडियो आपको कैसा लगा, प्लीज़ छोटा सा भी कमेंट में ज़रूर बताएं। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, आप लोग कमेंट करिएगा तो मुझे पता चलेगा ना कि मेरी गलती कहाँ है, मैं उसे सुधारने का कोशिश करूँगी। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा मेरा वीडियो, प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और शेयर भी करें। थैंक यू।